प्रणाम सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 33 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पख पुष्ट मर्जाद प्रवाह। अब कहूँ सो हृदय रख, अठो तेर सो जो है पख, एह विचार सुनियो परवान, या को सार काढ़ू निर्वाण। अब मैं भक्ति मार्ग के 108 पक्षों के हृदय में धारण कर उनका वह विवरण देती हूँ। इस प्रामाणिक विचार को सुनो और समझो। अब मैं निश्चित इनका सार निकालती हूँ। माया जीव कोई है समरथ, दौड़ करत है कारण अरथ, निसंक आपो पा डार्या जीन, निह कर्म पैना लिया तीन। माया में ऐसे कई समर्थ जीव हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिन्होंने निसंकोच होकर स्वयं को समर्पित किया है, वे ही निष्काम कर्म योग के पथ पर चल पाए हैं। पुष्ट मर्जाद जो प्रवाह पख, यहाँ को सार बताऊं लख, ताके हिस्से क्यों किए नो, चढ़े सीढ़ी भगत जल भो। पुष्ट प्रवाह और मर्यादा, इन तीनों भावों को पक्ष कहा जाता है। इनका सार बता रही हूँ। नवधा भक्ति के द्वारा इन तीनों के नौ नौ भाग कर भक्त जन इस सीढ़ी से भवसागर के पार हुए हैं। भीता के बाटे किए 27, चढ़े ऊंचे सूरत बांध जगदीश, सो बाटे किए 80 और एक, पहुँचे बैकुंठ चढ़े इन विवेक। वे तीनों भाव नवधा भक्ति से गुणा करने पर 27 हो जाते हैं। इन्हीं के द्वारा भक्तजन अपने चिंतन को जगत के ईस तक पहुँचाते हैं। अब पुनः सत्व रज तम इन तीनों गुणों से उन भावों को गुणा करने पर 81 भाव होते हैं। इन सोपानों पर विवेक के साथ चढ़कर वैकुंठ तक पहुँचा जाता है। चार विध की कही मुगद, करनी माफक पावे ईत, इत थे जो कोई आगे जाए, निराकार से ना निक से पाए। वैकुंठ के धाम में चार प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य कही गई है, जिन्हें भक्तजन अपनी करनी अपने अपने कर्मों की उच्चता के अनुसार प्राप्त करते हैं। इससे आगे जो कोई भी जाते हैं वे निराकार से आगे निकल नहीं पाते हैं। पख 82 मां जो कहया, वल्लभाचार्य त्यहाँ पहुँचिया, श्यामा वल्लभियो करी बड़ी दौर, ए भी आए रहे इन ठोर। 82वां पक्ष इससे भी आगे कहा गया है। श्री वल्लभाचार्य जी प्रेम भक्ति मार्ग के कारण वहाँ तक पहुँचे हैं। श्यामा यानी राधा वल्लभी भी अपने प्रयत्नों से यहाँ तक पहुँच पाए। छेद इंड में कियो सही, पर अखंड दृष्टे आया नहीं, आड़ी सुन भई निराकार, पहुँच न सके ताके पार। कई आत्माएं ब्रह्मांड को भी भेद कर आगे निकली,
किंतु उन्हें अखंड वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हुई। शून्य और निराकार का व्यवधान आ जाने से वे उससे आगे नहीं जा सकी। इनो की तो एह सनंद पीछे फेर पकड़िया प्रतिबिंब और साध अलेखे केते कहूँ निशंक दौड़ करी जिन हूँ। इन लोगों की ऐसी स्थिति हुई जिससे पीछे मुड़कर उन्हें प्रतिबिंब लीला को ग्रहण किया। ऐसे अनेकों साधक हुए हैं जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा पार पहुँचने का प्रयत्न किया। ज्ञानी अनेक कथे बहु ज्ञान ध्यानी कई विध धरे ध्यान पर ए सब ही सुन के दरम्यान छुटिया न काहूँ संसे उन्मान। ज्ञानी जन ज्ञान की अनेक चर्चाएं करते हैं, ध्यान करने वाले भी विभिन्न प्रकार से ध्यान करते हैं, किंतु वे सब शून्य के अंतर्गत ही रह गए हैं। मात्र अनुमान के कारण उनमें से किसी के भी संशय नहीं छूटे। उपासनी निर्गुण या निरंजन किन उलंघियो न जाए विष्णु को कारण। या शास्त्र या साधु जन द्वैत सबे समानी सुन। निर्गुण या निरंजन की उपासना करने वाले भी भगवान विष्णु के कारण स्वरूप का उल्लंघन नहीं कर पाए। शास्त्रों या साधुजनों के उपदेश भी द्वैत के कारण शून्य में ही समा गए। इन ऊपर पख है एक सुनियोता को कहूँ विवेक पुरुष प्रकृति उलंघ के गए जाए अखंड सुख माहे रहे। इनके ऊपर और एक पक्ष है, विवेक पूर्वक उनका विवरण सुनो। जो लोग प्रकृति और पुरुष का भी उल्लंघन कर आगे बढ़ते हैं वे उस पक्ष में पहुंचकर अखंड सुख प्राप्त करते हैं। त्रासीमा पख परवान जो वासना पांचो लिया निर्वाण। ए पांचो कहूँ अपनाइत कर देखाऊ सबदातीत घर। यह वही 83वां पक्ष है जिसे पंचवासनाओं ने ग्रहण किया है। अब मैं तुम्हें अपना समझकर इन पांचों का विवरण देते हुए सप्तातीत अखंड घर के दर्शन कराती हूँ। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 34 की 12 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।